अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें लुकनत का प्रॉब्लम है। लुकनत क्या है? लुकनत कहते हैं अटक कर बोलने को आम जुबान में। इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो स्टैमरिंग का या स्टटरिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है, इनवॉलेंट्री पॉजेज होते हैं, स्पीच पॉजेज होते हैं या इनवॉलेंट्री रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है। इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, किस वजह से होती है, आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे कि अगर आप इन 5 टिप्स पर अमल कर लें, अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आप अपनी लुकनत को 50-80% तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहे, आज की इस वीडियो में हम कोई मेडिकली बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे, वो बातें करेंगे कि अगर उन पर आप अमल करना शुरू कर दें तो आपको उसी दिन से फ़र्क आना महसूस हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है, नंबर 1 पॉइंट है कॉन्फिडेंस। याद रखिए, आपकी लुकनत का जो मेन कॉज होता है वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते कि आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वीडियोस बनाने का शौक़ है, जिनका ये दिल करता है कि वो कैमरा के सामने आकर बात करें, वो अपनी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, अपनी कोई एजुकेशनल वीडियो बनाएं जिसमें वो कैमरा के सामने बात करें और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। लेकिन उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, उनके अंदर एक शायनेस होती है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाते। अब होता क्या है इससे कि आहिस्ता आहिस्ता उनका सेल्फ स्टीम इतना डाउन हो जाता है कि उनका ये लुकनत का प्रॉब्लम वहीं पर आकर रुक जाता है। टिप क्या है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। आप कुछ भी कर लें, आप 10 लोगों के सामने खड़े हो जाएं, आप पूरे हजूम के सामने खड़े हो जाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको अपनी ये कमी ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की कमी कर दी है। सबसे पहले तो आपने ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है या आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पॉइंट पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो कॉन्फिडेंस पर डिटेल में बनाएंगे। टिप नंबर टू क्या है कि आपने अपनी सोच को पैरेलल नहीं जाने देना। होता क्या है, एक फिनोमेना में आपसे शेयर करना चाहूँगा ये टिप बताने से पहले, कि अक्सर क्या होता है कि आपका दिल और आपका दिमाग मैच नहीं हो पाता। आसान अल्फाज में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो आपका दिल कुछ और कहने को करता है और आपका दिमाग कुछ और कहने को करता है, तो इन दोनों के तसादुम से आपकी ज़बान में लुकनत का या स्टैमरिंग का या स्टटरिंग का प्रॉब्लम आता है। तो आपने क्या करना है कि अपने दिल और दिमाग की सोच को एक लाइन में लेके आना है। आपने कुछ भी करके अपने फोकस को इतना बिल्ड करना है, आपका इतना फोकस होना चाहिए कि आपकी जो सोच है वो इधर उधर ना जा सके। आपने उसे एक लाइन में रखना है और आपने अपना मैक्सिमम फोकस इस बात पे करना है कि आप एट अ टाइम एक सोच सोचें, क्योंकि अक्सर वो लोग जिन्हें स्टैमिंग का प्रॉब्लम होता है, लुकनत का मसला होता है, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई जब तुम्हें लुकनत होती है तो बेसिकली तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है, तो कह रहे होते हैं कि मेरे साथ एक ही वक्त में मेरे दिमाग में 2-3 बातें चल रही होती हैं, तो इस वजह से उनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम देखना पड़ता है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए कि आपकी सोच एक लाइन पर आ जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री, इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पॉइंट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट था। याद रखिए, ये बातें मैं बुक की बातें नहीं कर रहा, ये बातें मैं साइंस की बातें नहीं कर रहा, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये आजमूदा बातें हैं जो कि आजमाई हुई हैं और इन पर अमल करके बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। पॉइंट नंबर 3 है कि आपने शीशे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर आपने अपनी आँखों में आँखें डालकर बात करनी है। आपने अपनी आँखों में आँखें डालकर पूरी स्पीच करनी है, वो बातें करनी है जो आपका दिल करता है करने को। ये कोई भी रैंडम बातें आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपने अपने होंठों की जुम्बश को देखना है, आपने अपने फेस को, अपने फेस के एक्सप्रेशंस को देखना है। ये बात आपने नोट करनी है कि आप कौन से वर्ड पे अटक रहे हैं और जब आप अटकते हैं आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते हैं।
आपके फेस पे क्या चेंजेस आती हैं। आप जब इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने इमोशंस को पढ़ना सीख जाएं, तो आहिस्ता ऐसे टाइम आता है कि विद इन फ्यू डेज आपकी स्पीच में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना आ जाते हैं। स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम है, इसमें इमोशंस को एक ख़ास अहमियत हासिल है, इसमें इमोशंस का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, जो कि हम आखिरी पॉइंट में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप इसमें इमोशंस का क्या अमल दखल है। तो आपने इमोशंस को पढ़ना है, आपने अपने फेस के एक्सप्रेशन को नोट करना है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर फोर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, जो कैमरा के सामने आकर बात करना चाहते हैं, जो अपना पैगाम कैमरा के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्पीड में, आप जो बोलते हैं उसकी रफ्तार में 0.01 सेकेंड आपने उसमें कमी करनी है, आपने थोड़ा सा धीरे बोलना है, आपकी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आना चाहिए। ये फ़र्क इतना माइनर होना चाहिए कि आपके कैमरा या आपके ऑडियंस इस बात को फील तक ना कर पाए कि आपकी स्पीड स्लो है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वीडियो बनाना चाहते हैं। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि अपनी स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपने थोड़ा सा धीरे बोलना है, सोच कर बोलना है, क्योंकि जैसे हमने पॉइंट नंबर टू में बात की थी कि आपकी सोच इधर उधर जा रही होती है, आपकी सोच एक लाइन पे नहीं होती, तो जब आप सोच कर आराम से बोलेंगे तो आपकी जो सोच फैली हुई है अब वो एक लाइन पे आना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर फाइव क्या है? नर्वसनेस। आपने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करना है। नर्वसनेस क्या है? आपका आपके इमोशंस का बदलना। इसमें आपका गुस्सा शामिल है, इसमें आपका मूड शामिल है, इसमें आपका दिल दुखना, किसी बात पे परेशान होना शामिल है। आपने ये बात खुद भी नोट की होगी कि अक्सर जब आपको गुस्सा आता है, जब आप किसी बात कोई बात आपके दिल पे लगती है या आप परेशान होते हैं, तो आपको लुकनत का मसला बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा अटकना स्टार्ट हो जाती है। तो करना क्या है कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है, मैक्सिमम जितनी कोशिश कर सकते हैं करनी है कि आपने अपने इमोशंस को अपने काबू में लेके आना है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको टिप नंबर 3 बताई थी कि आपने आईने के सामने खड़े होना है, अपनी आंखों में आंखें डालना है और खुद से ही सवाल करना है कि भाई मुझ में क्या कमी है, मेरा जो फॉल्ट है, मेरे अंदर जो एक डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी नहीं है असल में, मेरे अंदर जो कमी है वो असल में कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे अगर एक चीज़ कम दी है तो उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि इस कायनात में हर चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पॉइंट्स पर डिटेल में बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हम स्टैमरिंग के ऊपर, लुकनत के ऊपर या रुक कर बोलने के ऊपर, अटक कर बोलने के ऊपर डिटेल में बात करें, आपको हर पॉइंट डिटेल से समझाएं या कुछ एक्सरसाइजेज आपको ऐसी बताएं जिन पर आप अमल करके अपनी स्पीच को बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को ये लुकनत का प्रॉब्लम है। अल्लाह ने के बाद।